क्यों अनजाना सब हुआ। तुम आ गई। क्यों? तुम क्या समझ रही थी? भाग गई मैं वासिल के साथ? ना दो। तुम्हारी अम्मा तो पूरे मोहल्ले में यही शोर मचाती फिर रही है ना। मगर मैंने तो उनकी बात पर यकीन नहीं किया ना। यकीन तो तुमने कभी खुद पर भी नहीं किया। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। खुद को मजबूत करो नईम और अपना लो उसे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ हैं, और तो और अब्बू भी तुम्हारे साथ हैं। अगर आप अच्छी बच्चे को इतना ही पसंद करते हैं तो रिश्ता क्यों नहीं ले आते? रानी आहिस्ता बोल, कोई सुन लेगा? कोई सुन लेगा तो क्या, सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना। मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। हर वक्त खाती रहती है अम्मी। अरे सीख ले कुछ बहन से काम। रानी रात को जो मैंने तुम्हें कमीज काटनी सिखाई थी तुम्हें समझ आ गई थी ना? हाँ अच्छी बच्ची, मुझे सब आता है, बस आस्तीन में फंस गई थी मैं। अरे बस बस सब आता है, खाक आता है। अच्छा ठीक है, जब अगली दफा कर रही होगी ना और ना समझ आए तो आ जाना, मैं तुम्हें समझा दूंगी। ठीक है? तो मुझे कौन सा टेलर बनना है? अरे तो क्या इसने टेलर बनने के लिए सीखी है सिलाई? अम्मी आप लोग टाइम जाया करो, कपड़े ले सिलवाए पहन ले। जी कौन? क्या हुआ? किसका फोन था? वासिल का। जो कुछ भी कहा था उसकी माँ ने कहा था, वासिल समझता है इस बात को। वो नादिया से बाहर मिला था, फिर उसने फोन भी किया था। फोन किया था तो क्या नादिया ने उससे बात की? नहीं नाजी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। तुम नादिया को समझाओ ना। देखो वासिल पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, अगर वो अपनी माँ के इतना कुछ कहने पर भी शादी के लिए तैयार है ना, तो मुझे माजी में भी उससे किसी बुराई की तवक्को नहीं। आपको क्या लगता है भाभी, क्या उसकी माँ के ख्यालात भी बदल चुके हैं? क्या वो नादो को अपनी बहू बनाने के लिए राजी हो गई? अरे नादो वासिल से बात करे तो पता चले ना। मुझे नहीं लगता नादिया राजी होगी। नाजी नादिया के लिए जितनी बातें अब तक निकल चुकी है ना, जितनी दफा उसका रिश्ता टूट चुका है, मुझे बड़ा डर लगता है नाजी, कहीं ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी वो इसी घर में बैठी रह जाए। देखो ये मौका फिर नहीं आएगा, वासिल बार बार आता है, तुम नादो को राजी कर लो ना, वो वासिल से शादी कर ले, तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान की क्या बात है भाभी, मैं कोशिश करूंगी, आप परेशान नहीं। चाय पियो। बस मैंने सोच लिया यार, तुम्हारे कपड़ों की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। अच्छी बजी भी आखिर क्या क्या करें बेचारे। बहुत देर से तुम्हारी फजूल बातें सुन रहा हूँ मैं, कहना कुछ और चाह रही हो, बोल कुछ और रही हो। बोलो क्या काम है? तुम्हारी मदद। किस सिलसिले में? वो क्या है ना, मैंने अच्छी बजी को काफी बार समझाने की कोशिश की है। क्या समझाया? ऐसा क्या जो उनके समझ नहीं आ रहा? हाँ ना समझ ही नहीं रही, मुझे लगता है उन्हें जिद हो गई है। रानी साफ साफ बताओ क्या बात है, वरना जाओ यहाँ से। इफ्फी क्या है कि इफ्फी अगर तुम मेरा साथ दो ना तो अच्छी बच्ची को वासिल भाई से शादी के लिए ना। क्या कहा तुमने? ये कि वासिल भाई अच्छी बच्ची से शादी कर। बस बंद करो नहीं तो दूंगा एक। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो अम्मी से जाकर पूछ लो। पूछ लूंगा उनसे भी,
और सबको कह भी दूंगा कि अगर किसी ने उसका नाम भी लिया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। इफ़्फ़ी क्या हो गया है तुम्हें? अब होने को रह क्या गया? अजीब आदमी हो, मैं तो बस वासिल भाई की। बस अब एक बार भी नाम लिया ना उसका तो उससे पहले तुम्हें मार दूंगा। दफा हो जाओ यहां से, निकलो। जायका है तुम्हारे हाथों में, जो भी बनाती हूँ ना लाजवाब बनाती हूँ। अभी रानी को भी तो कोई समझाए ना, वो लड़की उसका तो दिल ही नहीं लगता घर के किसी काम में। इतना कहती हूँ कुछ सीख लो लेकिन नहीं, बस गलियों में लड़कों के साथ उधम मचाने को दे दो। पता नहीं क्या बनेगा इस लड़की का। अरे बड़ी बहन जब घर में हो ना तो छोटी तो लापरवाह होती है। देख लेना जिस दिन तुम रुखसत हो गई उस दिन रानी ये रानी नहीं रहेगी, जिम्मेदारी से संभालेगी सबका। मेरी रुखसती के बारे में सोचना छोड़ देना जियापी, मैंने तो बड़ी संजीदगी से भाई की शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। सोच है तुम्हारी कि नोमान तुम्हें रुखसत करने से पहले अपनी शादी के बारे में सोचेगा भी? अरे सोचेंगे कैसे नहीं, मैं बात करूंगी ना उनसे, समझाऊंगी उन्हें, मान लेंगे वो मेरी बात। आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा ना, मुझे लगता है वो आपकी बात कभी नहीं रद्द करेंगे। क्या तुम मेरी बात रद्द कर सकती हो? आप बताएं कि आज से पहले मैंने आपकी कभी कोई बात रद्द की है? नहीं। नादिया मैं यहाँ तुम्हें कुछ कहने आई थी। एक मिनट बस। जी बोले। तुमने कहा था कि वासिल आया था तुमसे मिलने। तुम एक बार बस एक बार उसकी बात तो सुनती ना। उसे रास्ते में मिला था और अब बार बार फोन कर रहा है। नादो को चाहिए कि उससे बात कर ले। अम्मी आपकी तबीयत तो ठीक है? क्यों भाई क्या हुआ मेरी तबीयत को? क्या अजीब अजीब बातें कर रही हैं? इसमें अजीब कौन सी बात है? नादो को बात करनी चाहिए उससे, इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज है अम्मी, आप खुद सोचें आपकी और भाई की कितनी बेइज्जती की उन लोगों ने, घर से जाने तक को कहा और अच्छी बजिए को क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने, मनुष्य तक को करार दे दिया, फिर कैसे बात कर ले उनसे? अरे बेटा वो तो वासिल की माँ ने कहा था ना, वासिल तो उस वक्त था भी नहीं वहां पर। अम्मी कुछ भी हो अच्छी वजह बिल्कुल ठीक कर रही है उनसे बात ना करके। तुम नहीं समझोगे इस बात। क्यों मैं क्यों नहीं समझूंगा, मैं छोटा बच्चा हूँ क्या? देखो अगर हम सब मिलकर नादो को समझाएंगे ना तो मान जाएगी। अम्मी मुझसे इस बात की बिल्कुल तवक्को मत रखिएगा, मैं बस चले तो उन सबको गोली मार दूं। अरे तौबा तौबा क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी बहन के ससुराल वाले हैं वो। ससुराल वाले थे, अब नहीं है, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं रह गया। सच पूछो ना अगर तो इस सारे मामले में मुझे वासिल का कोई कसूर नजर नहीं आता। तो उसकी अम्मा का तो है ना, वासिल को चाहिए कि अच्छी बजिया का पीछा छोड़ के अपनी अम्मा को समझाए। बिल्कुल वो औरत, हो सकता है उसने अपनी माँ को समझाया हो और वो समझ भी गई हो। इंसान गलती करता है, जब उसे गलती का एहसास हो जाता है ना तो वो माफी मांग लेता है। जिंदगी ऐसे ही गुजरती है बेटा। गलती करता है तो फिर इंसान को सजा भी मिलती है और उनको अच्छी वजह सजा दे रही है उनसे बात ना करके और वो बिल्कुल ठीक कर रही है। और अम्मी प्लीज आइंदा इस मौजू पर बात मत कीजिएगा मुझसे, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके साथ बहस करूं और देखता हूं वो लोग आइंदा यहां कैसे आते हैं। या अल्लाह छोटा होकर कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा,
हद हो गई, कोई बात समझने के लिए तैयार ही नहीं। अरे भाई अब क्या तोड़ दिया? ग्लास। ग्लास? महीने के 12 ग्लास तोड़ती हो तुम? तो क्या हुआ, 12,000 बलाएं टलती हैं। कहाँ टलती हैं, मेरे सर पे तो खड़ी है। अम्मा आप भी ना बहुत गलत बात करती हो। अभी छोड़ के चली जाऊं, कौन पूछेगा आपको? कोई नहीं देखेगा। क्या मतलब है? अल्लाह, अल्लाह का आसरा है। तुम क्या समझती हो तुम्हारा आसरा है? तुम मेरा ख्याल करती हो। अच्छा तो ये बात है, 2 घंटे के लिए मैं कहीं चली जाती हूँ ना, आप बोलाई बोलाई फिरती हैं। क्यों? मोहल्ले में आवाजें दे देकर निकल खड़ी होती हैं। क्यों फिर छोड़ देना आप? कैसे छोड़ दूं बेटा, तुम्हारे लिए तो जीती हूँ मैं। सुबह की दवाई ली? हाँ। अम्मा इतने दिनों से ना आपके सर पे तेल लगाया ना कंधे दबाए। और दर्द होता है ना? नहीं बेटा, अब तो दर्द का एहसास भी खत्म हो गया। अब अगर जब मेरे करीब होती हो, मुझे छूती हो, मुझे प्यार से दबाती हो, तब मुझे ये एहसास होता है कि मैं बेआसरा और बेऔलाद नहीं। सच सच बेटा, सच। प्यारी अम्मा। अम्मी मैं आपको ही ढूंढ रही थी। वो रानी कह रही थी कि उसे बर्गर खाने बाहर जाना है, तो मैं उसे ले जाऊं? हैं? अरे ये नई क्या सूझी तुम लोगों को? अरे अम्मी जब से मेरी जॉब लगी थी ना, रानी ने कहा हुआ था कि ट्रीट चाहिए। अब सैलरी आ गई है तो अब उसको लेकर जा रही हूँ। अरे बस बस रहने दो, इसकी जिदें पूरी करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना बढ़ती जाएंगी। ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ इसे। अरे अम्मी कहाँ करती है वो मुझसे जिद, उसका सारा जोर तो आप पे और रफी पर चलता है। पहली दफा कहा है उसने मुझसे, छोटी है घर की, खिलौना है हमारे घर का वो। तो कोई खिलौना नहीं है, खिलौना समझती है वो हम लोगों को। कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल बेवकूफ। हाँ हाँ आपको तो अच्छी बजिया लगती है हमेशा अच्छी। मैं तो आपकी सुतेली बैठी हूँ ना, बाबा की दूसरी बीवी की बच्ची। क्या फसूल बातें करती रहती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? कर दिया ना सारा मूड खराब मेरा। बस तो ठीक है, घर में बैठो, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। जी नहीं, जाऊंगी तो मैं जरूर, और अब एक नहीं दो बर्गर खाऊंगी। अम्मी ये इसको दूसरा बर्गर कौन खिला रहा है? आप ही। जी नहीं, चलो अल्लाह हाफिज़। तमीज से रहना, आ जाएंगे जल्दी अम्मी, परेशान मत होना। बढ़ती जा रही है इसकी जिदें, हद हो गई। मैं तो ये वाली डील खाऊंगी। अरे नहीं ये तो काफी महंगी है। क्या हो गया तुम्हें, खिलाने आई हो ना, तुम्हें जो खाना है तुम खाओ। हाँ ठीक है, ये वाली मंगवा लेते हैं। और आप कौन सी खाएंगी? मैं भी यही खा लूंगी। एक्सक्यूज मी, ये बर्गर की जो डील है ये एक ले आएगा प्लीज। थैंक यू। रानी। हाँ जी। क्या परेशानी है भाई तुम्हें? नहीं कोई टेंशन नहीं है। किधर खोई हुई हो? नहीं वो तो अब तक है नहीं बर्गर तो। हाँ तो वेट कर रही हो तो परेशान हो कि मुझसे बातें नहीं कर सकती हो तो? हाँ करें क्यों नहीं। रानी किन टेंशनों में लगी हुई हो, तुम्हारा दिमाग भी ना चलता रहे। थैंक यू। हाँ चक्कर देख।
ये तो बहुत मजे का। अच्छी मजे का। मोस्ट वेलकम। लेकिन ये रोज रोज की ख्वाहिशें नहीं होंगी, आज ले आई हूँ बस। ठीक है ना। तो बर्गर खाया जा रहा है वो भी अकेले। नहीं भाई, आप यहाँ कैसे? मेरा आना अच्छा लगा या फिर बुरा? नहीं नहीं, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है रानी। चलो अब अच्छी बजी हमारा बर्गर, पैक करवा लो, घर जाके खाएंगे। अच्छा अच्छा, अगर आप लोग मेरी वजह से जा रहे हैं तो मत जाइए। दरअसल मेरे दोस्त वहाँ बैठे हुए थे और मैं घर ही जा रहा था, तो मुझे आप लोगों की आवाज आई तो मैं इसलिए यहाँ पर आ गया। नहीं भाई, आप अब प्लीज यहाँ से चले जाए, वरना वरना आपके बर्गर का मजा खराब हो जाएगा। हाँ वैसे किसी को खुशी हो ना हो, मगर आज यहाँ पर मुख्तलिफ माहौल में किसी से मिलकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। खुदा हाफ। थोड़ी ना बैठे। हेलो नादिया। इसको पैक करवाओ, घर जाओ। ठीक है, अच्छी बजे रुके तो सही। हाथ छोड़ो मेरा। आपका तो जिंदगी भर के लिए थाम लेना चाहता हूँ, बस एक बार आप तरह की बात है ना, घर की चार दीवारी में होती है, उस सड़कों और होटलों पर नहीं होती है। चलो अब समझ आ गया, अच्छी बजे जा रही है, अब घर आके बात करें। चले मैं चलती हूँ। अच्छी बजिया, अच्छी बजिया, बजिया सुनो तो, बचिया बात सुने। क्या हुआ इसे? अम्मी मुझे नहीं पता, जाकर उनसे पूछे ना क्या हुआ। कुछ किया होगा तुमने? नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। हद हो गई है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है इस घर में। ना दो, क्या बात है, मूड क्यों खराब है? कुछ नहीं हुआ अम्मी। रानी ने तंग किया होगा। नहीं अम्मी, वो क्यों तंग करेगी, उस बेचारी ने कुछ नहीं किया। तो फिर क्या हुआ है, घर से तो तुम अच्छी भली गई थी ना, आई हो तो तुम्हारा मूड खराब है, बताओ ना क्या बात है। कुछ नहीं हुआ ना, थक गई हूँ, पूरा दिन काम पे थी, फिर रानी को लेकर बाहर गई, थक जाता है बंदा। अभी भी ये देखिए सारी कॉपियां पड़ी है, चेक करनी है, आधी वहां पड़ी है, सुबह सुबह फिर स्कूल जाने, थक गई हूँ बस, और कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ। अच्छा चलो, परेशान नहीं हूँ, दूध का गिलास लाती हूँ मैं तुम्हारे लिए। सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियां, हे बहुत थक गई हूं मैं तो चली सोने। हाँ गुड नाइट रानी। जी बाजिया। ये क्या हरकत की थी तुमने? क्या किया है मैंने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वासिल को फोन करके तुमने बुलाया था? कसम खुदा की मेरी तो बात तक नहीं हुई उनसे। जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतनी रहो, वक्त से आगे मत भागो, बहुत आउट होती जा रही हो तुम। भाई साहब मैं शिकायत करूंगी तुम्हारी। मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा।